अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आखिर नए साल की खुशियां किसके लिए? आखिर नया साल है क्या? अगर हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं तो बहुत कुछ पाबंदियां, कुछ दायरे, कुछ उसूल आ जाते हैं। महदूद दायरा अल्लाह ने हमारे लिए मुकर्रर कर दिया है। इनके हलाल हराम की तो पहचान हो, हमने जो काम किया वो क्या हलाल है, वो हलाल के दायरे में आता है, सही है गलत है। अल्लाह ने हमारे लिए कई सारे दायरे मुकर्रर किए हैं। ये अलग बात है कि हम किसी चीज़ का एहसास हमें नहीं है और उस पर अमल भी नहीं करते। बेलगाम शहर में अब बड़े बड़े होटल हो रहे हैं, मैरियट, इफा, आदर्श, पता नहीं और भी कई सारे नए नए क्लब भी बेलगाम में हो रहे हैं। इससे पहले हमने देखा था कि बेलगाम से अक्सर लोग नए साल की पार्टियों के लिए गोवा जाते थे, पर अब गोवा की अयाशियां बेलगाम में ही करने वाले होटल पाए जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि अब नहीं जा रहे, आज भी कई सारे लोग गोवा पहुंच रहे हैं, पहुंच चुके भी होंगे। पर क्या अपने आप को मुसलमान कहते हुए हम इस तरह के खुराफात में मुलव्वस होना हमें जेब देता है? अब तो कुछ लड़कियां भी इस तरह के इजलासों में शरीक हो रही है। कहते हैं कि जितनी शराब इस रात में पी जाती है शायद इतनी साल भर में नहीं पी जाती। वैसे भी मुसलमानों के पास अब दौलत आ चुकी है, लेकिन याद रखो, अगर हम अपने आप को मुसलमान समझते हैं और मरने के बाद जिंदा करने पर ईमान है तो इन तमाम पार्टियों से बचने की कोशिश करें। पहले के मुकाबले में अब गुनाह बहुत आसान है, पर अय्याशी और दौलत के नशे में जिस कदर सरकश उम्मत बनती जा रही है, हो सकता है कि शायद 2024 में ही बहुत सारे कफन हमारे बाजार में आ चुके होंगे। और वैसे भी किस मुंह से और किस पस मंजर में खुशियां मनाई जा रही, क्या आपको मालूम है? आज भी कई सारे मुसलमान जेलों में पड़े हैं, इनका जुर्म सिर्फ ये था कि वो मुसलमान थे। इसी तरह कई घरों में इसलिए मातम है क्योंकि इनके घर किसी न किसी फर्द को मुसलमान होने पर जान से मार दिया गया। भले दक्षिण भारत में बहुत कम हो, लेकिन उत्तर भारत में इस तरह की तस्वीर है। फलस्तीन की माएं अपने मासूम बच्चों के लाशों को उठाते उठाते थक नहीं रही। दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में मुसलमानों पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। यह अलग बात है कि सऊदी अय्याशियों में मुब्तला है। बाबरी मस्जिद को छीन कर राम मंदिर का जश्न मुल्क भर में मनाया जा रहा है। ज्ञानव्यापी मस्जिद में नमाज अदा करने पर रोक लगा दी जा रही है। आज भी कर्नाटक के कई जेलों में मुसलमान कैद हैं। आज भी कई सारे हिंदुत्व तंजीमें मस्जिदों के नीचे मंदिर होने की बात कही जा रही है, और जो मुसलमान जेलों में कैद हैं कई ईदों को उन्होंने जेलों में मना रहे। इनके वालिदैन, इनके बच्चे, इनकी बीवियां इंतजार कर रही है, मुस्लिम खवातीनों की चादर खींच ली जा रही है। कहाँ है वो मुसलमान जो कभी मुस्लिम खातून के दुपट्टे को छू लेने से जंग का ऐलान किया करता था? क्या ये मुसलमान है जो नए साल का जश्न शराब पीकर मना रहे हैं? क्या ये लड़ेंगे? क्या ये खवातीनों की इज्जत बचाएंगे? इसके लिए तो समाज में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को पैदा होना पड़ता है, टीपू सुल्तान और खालिद बिन वलीद की जरूरत है। और खालिद बिन वलीद जो कहते हैं कि मदीना की खूबसूरत औरत के साथ निकाह किया जाए और उसी वक्त इस्लाम की जंग का ऐलान किया जाए, और इस्लाम के खातिर सर्द रातों में जिहाद के ऐलान के बाद मदीना के खूबसूरत लड़की के साथ सुहाग रात मनाने से भी ज्यादा मुझे उस सर्द रात में अल्लाह की राह में जिहाद करने में जो मजा आता है वो सुहाग रात में नहीं आता। इस तरह की सोच और फिक्र जब तक मुसलमानों में थी तब तक किसी दुश्मन की हिम्मत नहीं हुई मुसलमानों की तरफ आंख उठाकर देखने की। आज सिर्फ हिंदू राष्ट्र के डर से ही कई लोग मुर्तद हो रहे हैं। समाज का बड़ा हिस्सा अय्याशी में मुब्तला है। ये वीडियो देखिए, ये मुंबई के समंदर किनारे का है, किसी मुस्लिम मुल्क की तरह लग रहा है। ये दिखाने के पीछे सिर्फ यही मकसद है कि दुनिया की मोहब्बत ने मुसलमानों को निगल लिया है। आज मुजाहिद पैदा करने से माएं माजूर हो चुकी हैं। आज का नौजवान नए साल का जश्न मना रहा है। घर की इज्जत जो लड़की है बड़े होटलों में गैरों के गले में हाथ डालकर नाच रही है। जब एक ईमान वाले की बेटी नए साल का जश्न मना रही है तो बताओ इस समाज की रहनुमाई कैसे होगी जिनकी कोख से इस्लाम के दाई और मुजाहिद पैदा हुआ करते थे? क्या वाकई मौजूदा दौर का मुसलमान खत्म होने वाला है और अल्लाह किसी और को इनके बदले खड़ा करने वाला है? क्योंकि इसका वादा इसी तरह से है, क्योंकि कोई रहे या ना रहे इस्लाम तो जिंदाबाद था, है और रहेगा। पर हमारा क्या होगा जो आज राह हक से मुंह मोड़ चुके हैं, गैरों की तहजीब को अख्तियार करने में फख्र महसूस कर रहे हैं और मारे जाने पर अल्लाह ही से शिकायत कर रहे हैं कि अल्लाह हम पर जुल्म किया जा रहा है, क्यों कर हम पर जुल्म न हो? जालिम बादशाह को मुसल्लत करने की बात कब कही गई थी? लिहाजा उम्मत सरकश हो चुकी है। नए साल का जश्न मनाने के लिए अब तक कई नौजवान घरों से निकल चुके होंगे। कुछ बेलगाम ही के आलीशान होटलों में शराब कबाब के साथ रस्क कर रहे होंगे। कैसी सुनहरी तारीख रही है, मुमकिन नहीं मुझसे यह तर्ज मुनाफिकत, दुनिया तेरे मिजाज का बंदा नहीं हूं मैं। कलंदराना दाए सिकंदराना जलाल, ये उम्मतें हैं जहां में बरहाना शमशीर शान, आंखों में न जस्ती थी जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे हम छाव में तलवारों की। बेलगाम शहर में मुसलमानों की तादाद काफी है
और खासकर नौजवानों की। पर बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कैसी गलत रिवायतें आदतों और रस्म के आदि होते जा रहे हैं। देर रात तक कहीं पर भी खड़े होकर कुछ नौजवान टू व्हीलर की सीट पर केक को रखकर शोर शराबे के साथ हुल्लड़बाजी करते हैं, बर्थडे मनाते हैं और इस तरह का तमाशा बारहा देखने को मिलता है। और ये तमाशा तकरीबन इलाकों में देखने को मिलता है। क्या ये तहजीब है? क्या इन नौजवानों के हाथों से इस्लाम की हिफाजत तहफ्फुज़ हो सकती है? क्या अल्लाह हमारे हाथों से दीन की अजमत बुलंदी का काम ले सकता है? हमें बदलना होगा। सिर्फ दीन ही की बुनियाद पर हमारा वजूद बाकी रह सकता है। हमारी सोच को तब्दील करना होगा। इस्लामी ज़हनियत और सोच ही समाज, घर, माशरे में बदलाव ला सकती है। अपने घरों में, अड़ोस पड़ोस में इस्लामी सोच और फिक्र को आम करने की कोशिश होनी चाहिए। जिस फहश रियानियत के बाजार में मुस्लिम तहजीब की धज्जियां हम खुद उड़ा रहे हैं, जिससे हालात हम पर रोनुमा हो चुके हैं, बजाय फलस्तीन की फिक्र करने से अपने घर की फिक्र जरूरी है। हालात तेजी से बदल रहे हैं। दीन को महज रस्म न समझे। इस्लाम कुर्बानी का दूसरा नाम है। तभी तो हिजरत से ही इस्लाम का नया साल शुरू होता है। उम्मत को नबी रहमत ने हर जगह पर मुजाहिदे के लिए तैयार किया, ताकि उम्मत आखरत में सुरखरू हो सके, कब्र हश्र की मंजिल आसान हो। पर आज उम्मत की नौजवान नस्ल अय्याशियों में धोखा फरेब, झूठ, बुग्ज, कीना कपट में मुलव्वस है। एक साल खत्म होता है तो एक साल जिंदगी कम होने का एहसास हो। अगर कब्र से सवाल किया जाए तो जिन लोगों को सुपुर्द खाक किया गया है वो यही कहेंगे कि काश कुछ और वक्त मिलता तो अल्लाह की राह में अपना सब कुछ लगाते। लेकिन जमीन पर इंसान को अकड़ होती है दौलत शान शौकत की, और जमीन के नीचे किसी तरह का इख्तियार नहीं होता। आज जिस तबाही की राह पर आज के नौजवान लड़का लड़की जा रहे हैं, सिर्फ खुद नहीं चल रहे बल्कि आने वाली नस्ल को भी उसी तबाही का रास्ता दिखा रही। लिहाजा हम मुसलमान हैं, हमारा शेवा अलग है। अल्लामा इकबाल ने मुसलमान नौजवान कौन है इस पर कहा, हर लहजा है मोमिन की नई शान नई आन, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान, कहारी व गफ्फारी व कुद्दूसी व जबरूत, ये चार अनासिर हो तो बनता है मुसलमान। 2024 को लेकर क्या क्या मंसूबे बनाए जा रहे हैं, दुश्मन क्या क्या साजिशों के जाल बुन रहा है, क्या पता कि किस कदर कुछ लम्हों में हालात बदल जाए। क्या मालूम कि कितनी इज्जतें तार तार हो जाएंगी, कितनों के आंखों के सामने औलादों को मार दिया जाएगा। राम मंदिर के नाम पर माहौल को गरमाया जा रहा है। भारत में अंधवक्तों की कमी नहीं है, ताली थाली का तमाशा देख चुके हैं। उसी नहज पर 22 जनवरी को हर घर में राम ज्योति के चराग जलाने का ऐलान फिर से किया गया है। इसी तरह से आवाम के जहनों को टटोला जा रहा है कि किस तरह जहन गुलाम हो चुके हैं। एक आलमी जश्न के तौर पर इसे पेश किया जा रहा है। अब तो मोदी को भगवानों से भी बड़ा पेश किया जा रहा है और भक्त कर भी रहे हैं। और इसी को कहीं तो फसाद का जरिया बना जा सकता है, ऐसा कयास खुद कई बड़े हिंदू इल्मी माहिरीन का कहना है। हालात को समझे अकलमंद शख्स वो है जो मरने से पहले मरने की तैयारी करे। लिहाजा नए साल के जश्न में बतौर मुसलमान शिरकत करने से बचे, और खास कर लड़कियां, क्योंकि आज लड़कों से भी ज्यादा लड़कियों पर तवज्जो की जरूरत है। आज नए साल के जश्न को लेकर कुछ लोगों में पार्टियों की चहल पहल देखने को मिल रही है। कुछ तो अपने आप को दीनदार भी समझते हैं। खैर, इस नौसत से बचे, क्योंकि तेरी बर्बादी के चर्चे हैं आसमानों में। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। अहम खबरों पर एक नजर। खानापुर जंगल में ट्रैकिंग के लिए गए बिना परवाना 9 तलवा वहां गए थे और जाकर कहीं तो भटक गए। बेलगाम गोवा रास्ते पर पारवाड़ जंगल में कुछ नौजवान जंगल सफारी के लिए गए, आगे रास्ते से भटक गए। लिहाजा जंगल ही से फॉरेस्ट अफसरान को इत्तला दी गई, जिसके बाद इन्हें तकरीबन 18 घंटे बाद फॉरेस्ट मुकमा इन्हें ढूंढने में कामयाब हुआ। वैसे नेटवर्क भी नहीं था ऐसा बताया जा रहा है, लेकिन एक तालिब इल्म का मोबाइल नेटवर्क में आया, जिससे 9 अफरादों की जान बच गई ऐसा बताया जा रहा है। रियासत के पीडब्ल्यूडी वजीर सतीश जारकीहोली ने अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के करीब वाल्मीकि का भी मंदिर बनाया जाए और अयोध्या के हवाई अड्डे का नाम महर्षि वाल्मीकि रखा जाए, ऐसा मुतालबा किया, क्योंकि वाल्मीकि ने ही तो रामायण लिखा था। सतीश जारकीहोली के मुतालबे की भी चर्चा हो रही है। कॉर्पोरेशन कमिश्नर ने कन्नड़ बोर्ड्स बिठाने का हुक्म जारी करते हुए कहा कि अगर कन्नड़ नहीं रहा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। बेंगलोर में भी कन्नड़ तंजीमों की जानिब से जुलूस में निकलकर खुलेआम अंग्रेजी और दिगर बोर्ड्स पर हमला कर तोड़ने की वारदात भी चर्चा का मौजू बनी हुई है। ये चर्चा नेशनल मीडिया पर की जा रही है। आज बेलगाम में भी कन्नड़ तंजीमों की जानिब से एहतजाज करते हुए मराठी अंग्रेजी बोर्ड निकालने का मुतालबा किया और कन्नड़ तंजीम के लीडर नारायण गौड़ा की रिहाई की भी मांग उन्होंने आज की। मराठी बोर्ड उतारने का उन्होंने मुतालबा किया, जिसका मराठी आवाम की जानिब से भी मजम्मत की जा रही है। मराठी का शुभम शेड़के ने भी कन्नड़ जबरदस्ती थोपा जा रहा है ऐसा कहते हुए ऐतराज दर्ज किया। सरकार के दिकारा, दिकारा। और राजकारण बंद
व राज्य सरकार के आज एमएलए आसिफ सेठ ने उज्जवल नगर के तरक्कियाती कामों का जायजा लिया और कामों को जल्द शुरू करने का भरोसा दिलाया। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहे इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। Hayde.